ईद की छुट्टियां खत्म, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मैदान सजेगा। पीटीआई आज मियांवाली में जलसा करेगी, इमरान खान की आवाम से शिरकत की अपील। नून लीग भी अवामी राबता मुहिम के लिए तैयार, मरियम नवाज अटक में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेंगी। पेशावर जलसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयानात, पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर का स्क्रिप्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल, तकरीर का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया, इमरान खान को नोटिस जारी करने या न करने का फैसला होगा। तौहीन मजहब केसेस, शेख रशीद की जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए दरखास्त, 18 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। साबिक वजीर दाखिला की हुकूमत पर तनकीद, कहा जिस पर फर्द जुर्म लगनी थी वो मुल्क का वजीर आजम बन गया, फौज से हमारे ताल्लुकात खराब थे, न हैं और न ही होने चाहिए। जो कुछ एक्सरसाइज हुई है ये इनके गले पड़ गई है। इमरान खान लीडर बन के निकला है, हमारे हल्कों में हमारी ये पोजिशन नहीं थी जो आज है, हमें इलेक्शन के लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं है। जनवरी 2021 में मुल्क में ब्लैकआउट का मामला, नेपरा अथॉरिटी ने एनटीडीसी पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया, जुर्माना बर वक्त बिजली बहाली में नाकामी पर किया गया।